देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आए दिनों जातिगत भेदभाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर सही मायने में दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों को आजादी कब मिलेगी? इस जातिगत उत्पीड़न से आजादी कब मिलेगी? इस छुआछूत से आजादी कब मिलेगी? इस भेदभाव से आजादी कब मिलेगी? धर्म के नाम पर दंगा करने वाले संकीर्ण विचारधारा के जातवादी मानसिक रोगियों की इस तरह की ओछी हरकतों से आजादी कब मिलेगी? यह सवाल मैं देश के उन तमाम नेताओं और पार्टियों से पूछ रहा हूं जो अब तक बारी बारी से देश और प्रदेश में सत्ता में रहे हैं। और राजस्थान की गहलोत सरकार से भी मांग करता हूं कि इस तरह के जातवादी संविधान विरोधी संकीर्ण विचारधारा के मासूम बच्चे के मौत के गुनाहगार को कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में आपको और आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश को आजाद हुए भले ही 75 वर्ष पूरे हो चुके हों, भले ही देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, घर घर झंडा अभियान चला रहा हो, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में देश के नागरिक जो 1947 से पहले गुलाम थे, क्या वो आजादी के 75 वर्ष बाद आजाद हो चुके हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है, मटकी से पानी पीने पर तीसरी कक्षा के मासूम छात्र को जातवाद से ग्रसित शिक्षक द्वारा इतना पीटा गया कि कल 13 अगस्त को इलाज के दौरान इस मासूम छात्र इंद्र मेघवाल की मौत हो गई। यह मामला राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव की इसका है। मृतक मासूम बच्चे इंद्र मेघवाल के चाचा ने मीडिया को बताया कि नन्हे छात्र ने भूलवश मटकी से पानी पिया तो आरोपी शिक्षक ने कक्षा 3 के छात्र को नीच व जातिगत शब्दों से अपमानित करते हुए उसकी पिटाई की। इससे उसके सिर व दाहिने कान व आंख में अंदरूनी चोट आई। यह घटना करीब आज से 25 दिन पहले यानी कि 20 जुलाई की है। बच्चे के पिता देवाराम ने बताया है कि पिटाई के बाद बच्चे की तबीयत खराब होने लगी तो उसे जालौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। यहां से उसे उसी दिन उदयपुर रेफर कर दिया गया था। अभी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद ले गए, जहां कल 13 अगस्त को बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। साथियों, इस घटना के सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि बच्चा सुराना गांव के ही एक विद्यालय जिसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर में कच्चा 3 में पढ़ता था। इस मामले के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से जांच कमेटी बनाई गई है। आप सोचिए, हमारे देश को आजाद हुए कहने को तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आए दिनों जातिगत भेदभाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर सही मायने में दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों को आजादी कब मिलेगी? इस जातिगत उत्पीड़न से आजादी कब मिलेगी? इस छुआछूत से आजादी कब मिलेगी? इस भेदभाव से आजादी कब मिलेगी? धर्म के नाम पर दंगा करने वाले संकीर्ण विचारधारा के जातवादी मानसिक रोगियों की इस तरह की ओछी हरकतों से आजादी कब मिलेगी? यह सवाल मैं देश के उन तमाम नेताओं और पार्टियों से पूछ रहा हूं जो अब तक
बारी बारी से देश और प्रदेश में सत्ता में रहे हैं। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, साहब हम बहुजन मूल्यवादी दलित पिछड़ों के लिए तो कोई भी पार्टी दूध की दुली नहीं है। आज राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और आए दिनों राजस्थान में ही दलित उत्पीड़न के कई मामले सामने आते हैं। इन मामलों की कोई कसर नहीं रह रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं को शर्म आना चाहिए। वह किस मुंह से कहते हैं कि हम दलित देश ही हैं? साहब सच तो यह है कि न तो बीजेपी और न कांग्रेस दलितों के लिए कोई भी दूध का भला नहीं है। केवल और केवल हम दलितों को वोट बैंक के रूप में अब तक इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक सवाल मेरा उन दलित नेताओं से भी है जो कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों के तहसील और ब्लॉक प्रमुख आज बनकर अपने आप को देश का बहुत बड़ा नेता समझकर केवल और केवल बहुजन बुद्धिजीवियों और नेताओं पर बेचारे हमला करते रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनकी दरी बिछाने का काम करते हैं। अब आप पूछिए अपने आकाओं से, क्या यही है उनका दलित प्रेम? क्या ऐसी घटना ही उनके दलित हितेशी होने का प्रमाण है? मैं उन तमाम दलित नेताओं से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस और बीजेपी में चापलूसी करने में व्यस्त हैं, चापलूसी करने में मस्त हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, थोड़ी तो शर्म करो। कम से कम अपना नहीं तो अपनी आने वाली नस्ल का तो ख्याल करो। और राजस्थान की गहलोत सरकार से भी मांग करता हूं कि इस तरह के जातवादी संविधान विरोधी संकीर्ण विचारधारा के मासूम बच्चे के मौत के गुनाहगार को कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में आपको और आपकी सरकार को आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लगातार आपको राजस्थान से दलित उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन आप मौन हो क्यों? क्या दलितों की जान जान नहीं होती? आप बोलेंगे तो आपकी जातिवादी नेता नाराज हो जाएंगे, आपकी कुर्सी चली जाएगी। अगर आपने दलित उत्पीड़न के मामलों में चुप्पी नहीं तोड़ी तो कुर्सी तो साहब आपकी गई। ये बहुजन समाज आपसे बदला जरूर लेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे समझते हैं? अपनी क्या राय रखते हैं? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देखते रहिए जनता आवाज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।